सबसे बड़ी जो अपडेट आज हमारे पास है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के हैं। आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी जॉब पर जो है खतरा मंडरा रहा है, और जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है, ऐसे कर्मचारी जो सरकार ने कोविड काल में जो है वो लगाए थे, जिनको कह सकते हैं आप, हालांकि कोविड के मामले एकाएक बीच में जो है कम भी हुए, लेकिन फिर से कोविड के मामले अब बढ़ने लगे हैं। और ऐसे में जो 1900 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी जो राहत आंकड़े हैं, हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और इसके अलावा जो अन्य नेता है कांग्रेस के, सभी से जो है आश्वासन इनको यही मिल रहा है कि आपकी जो जॉब है वो सुरक्षित रखेंगे। और लेकिन अभी तक जो एक्सटेंशन होना है, जिसको लेकर के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आश्वासन दिया है महिलाओं को, जो महिलाएं मिलने आई थी सचिवालय में, और इसके अलावा जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी वहां पर आए थे, हालांकि इसमें एक नया अपडेट हमारे पास है, अब इनकी जो एक्सटेंशन है इसको लेकर के कल जो है वो सुक्खू सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, और इनकी या नहीं बचेगी इसको लेकर के जो है वो कल सरकार फैसला लेने वाली है। और जो खबर निकल कर आ रही है 3 महीने इनको एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी अगले 3 महीने जो है वो सरकार इनका एक्सटेंशन बढ़ाएगी, यानी इनको अब जो है वो इनकी जॉब भी फिलहाल नहीं जाएगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है महिलाओं से, एजेंसी में काफी जो है वो आउटसोर्स पर ये जो महिलाएं हैं वो लगी हुई है, 10,500 के आसपास इनको सैलरी मिलती है, तो इसमें जो हमारे पास अपडेट है ये इनकी जो डिमांड है वो ये है कि हमें एक्सटेंशन नहीं, हमें जो है वो ऐसी सरकार जो है वो अब कह सकते हैं आप गुहार जो सरकार से लगा रहे हैं कि हमारी जो जॉब है वो सरकार सुरक्षित करें, क्योंकि 3 माह के बाद फिर से इनको जो है वो अब सरकार के द्वार पर जाना पड़ेगा, फिर और जो है एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। तो खबर यही है कि 1900 आउटसोर्स कर्मचारियों को जो एक्सटेंशन मिलनी है, नोटिफिकेशन नहीं हो पाई, कल इनकी जो नोटिफिकेशन है वो हो सकती है जी। इसके अलावा बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, ओपीएस की एसओपी पर, ओपीएस की एसओपी है वो अगले सप्ताह आएगी, तो कल से जो कल के बाद जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, संभावनाएं हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू काजा में थे, काजा से वापसी आज शिमला लौट रहे हैं, और कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में होंगे, लेकिन खबर यह भी है कि ओपीएस की एसओपी पर कल बड़ी अपडेट या कह सकते हैं नोटिफिकेशन होने की पूरी संभावना है कल के बाद जो नया सप्ताह होगा, क्योंकि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब केवल और केवल जो है वो नोटिफिकेशन होनी है। जो एनपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर और जो उनकी पूरी टीम है, जो एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं सरकार से, वो यही कह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए जो पुराने रूल्स थे ओपीएस के, उसी आधार पर चाहिए, और इसी में जो वो डिमांड कर रहे हैं कि लास्ट सैलरी का 50% सरकार हमें जो है वो ओपीएस के माध्यम से दें। अब तीसरी जो बड़ी खबर है वो प्रिंसिपल के प्रमोशन को लेकर के है, कल रात को हमने आपको अपडेट दे दिया था, और कल के बाद नया सप्ताह शुरू हो रहा है, 269 नए प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है लेक्चरर और जो हेडमास्टर हैं उनकी पदोन्नति होनी है, और जो स्कूल जहां पर अभी प्रिंसिपल कुछ स्कूलों में नहीं है उनकी पदोन्नति होने के बाद स्कूलों को प्रिंसिपल मिल जाएंगे। ये शिक्षा मंत्री ने जो है वो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ साझा की है, और आपको हमने अप्रोक्सीमेटली डाटा है वो भी बता दिया है कि कितने प्रिंसिपल प्रमोट जो है वो होने हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी जो है वो लगने हैं, ये भी जो है वो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन होने की संभावनाएं हैं, हो सकता है जो ये आने वाला सप्ताह है कल के बाद इसी में जो है वो नोटिफिकेशन इसकी हो जाए। अब देखिए शिमला में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में अब यहां पर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, एक परमिशन जो है वो चुनाव आयोग से ली जाती है, उसके बाद ही जो है वो नोटिफिकेशन ये हो पाएगी। तो तीसरी बड़ी अपडेट हमारे पास ये वाली थी जी। इसके अलावा अब बात करते हैं शिमला की एक और बड़ी अपडेट के साथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार शिमला पहुंच रही है राष्ट्रपति बनने के बाद, और शिमला की यदि बात करें तो शिमला में जो एक टीम होती है जिसको आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स, वो शिमला पहुंच गए हैं, चप्पे चप्पे पर अब जो है वो पुलिस की निगरानी है, 1500 जवान तैनात किए गए हैं। अन्ना डेल में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद द रिट्रीट जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर जाएगी द्रौपदी मुर्मू, उसके अगले दिन आपको हमने बता दिया है राजभवन में जो है वो डिनर भी रखा गया है। इसके अलावा एक दीक्षांत समारोह जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में होना है, 18 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला में होगी, और 21 तारीख को उनके वापसी जाने का कार्यक्रम है शिमला में, चप्पे चप्पे पुलिस की निगरानी है, जो बाहर से विकल्प भी आ रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के अंतर्गत जो है वो सारी चीजें आती है। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अपडेट है जहां पर अभी हम खड़े हैं इसके ठीक हैं, अभी हम पिट ऑफ में खड़े हैं, और यहीं पर कल जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम होना है, नारी तू नारायणी, यानी महिलाओं के सम्मानित जो है वो किया जाएगा, सशक्त नारी सम्मान समारोह हो रहा है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, 12 महिलाओं को इसमें सम्मानित जो है वो किया जाएगा। अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो मौसम का एक बड़ा अलर्ट आया है, और ये अच्छी खबर इसलिए नहीं है मौसम की, क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्रों में किसान बागवान है, क्योंकि बागवानों की जो आप कह सकते हैं अब जो सेब की फसल है वो तैयार हो रही है, फ्लोरिंग जो है उसमें लगी हुई है, आपने देखा पिछले कल भी जो है वो कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, काफी नुकसान बागवानों को हुआ है, बागवान अब यही जो है वो अरदास लगाए हुए हैं इंद्रदेव से कि जो है वो बारिश ना हो, अगर बारिश हो भी तो ओलावृष्टि ना हो। तो अभी फिलहाल 22 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है, कल से आगामी दो तीन दिन भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जो हाई हिल्स है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और अंधड़ ओलावृष्टि हो सकती है जी। तो 18 अप्रैल को अगर बात करें, 18 अप्रैल को सबसे अधिक मौसम खराब रहेगा, परसों 18 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था।
इसके अलावा अगर बात करें आप अन्य खबरों में, तो अन्य खबरों में जो हमने ऑफिस का अपडेट आपको बता दिया है, प्रिंसिपल प्रमोशन का बता दिया है, ओपीएस को लेकर अपडेट दे दिया है, अब बात करते हैं डीए को लेकर के। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा से ऐलान किया कि 3% डीए की जो बढ़ोतरी कर दी गई है, 31 से 34% डीए जो है वो हो गया है, लेकिन अब जो ये 8% डीए जो पेंडिंग में है पुराना वाला ही, ये कब मिलेगा, ये जो है वो अब सरकार के जो कर्मचारी है वो ये जो है वो सवाल कर रहे हैं। तो अपडेट यही है, अब जो है डीए को लेकर सीएम सुक्खू ने कल बड़ी बात कही थी कि अभी की जो वित्तीय स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो है वो पुरानी कह सकते हैं 11% डीए जो पहले ही पेंडिंग चल रहा था उसको एक साथ दें। अब सीएम ने ये जरूर कहा है कि आगामी समय में जैसी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, जो कर्मचारियों की पेंडिंग बचा हुआ है, एरियर है या फिर डीए है, उसको लेकर के जो है वो सरकार आगामी समय में फैसला लेगी। तो 8% तो डीए है, आप थोड़ा इंतजार करें कर्मचारी, 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, हो सकता है उसमें कुछ कर्मचारियों को लेकर के सरकार कर दें। डीए की जो 3% की किस्त है वो कर्मचारियों के खाते में बहुत जल्दी डाल दी जाएगी। तो काजा से सीएम ने बड़ा ऐलान किया था। अपडेट हमारे पास है, स्कूल पीटीए में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, ये बड़ा ऐलान है। और जो निजी व सरकारी स्कूलों में जो पीटीए के जो प्रधान बनाए जाते हैं उसमें अध्यक्ष या फिर जो सदस्य है कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है जी। और पीटीए चुनाव हर साल होंगे और पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ही जो है वो उसमें शामिल होंगे जो पीटीए अध्यक्ष होगा किसी भी स्कूल का। अभिभावकों की आवाज जो है वो नहीं बन पाते हैं अगर जो है वो किसी पॉलिटिकल पर्सन को बनाया जाता है। तो ये पीटीए को लेकर जो पीटीए बनाए जाते हैं, पीटीए अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्कूलों में, जिनकी भूमिका रहती है चाहे जब बड़ा डिसीजन लेना हो स्कूल का या फिर कभी एनुअल फंक्शन हो, कोई भी बड़ा फैसला हो, तो पीटीए को लेकर जो है वो पीटीए से सहमति के बाद बड़े डिसीजन ले जाते हैं स्कूल में। तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अब नहीं होगा, ये और अपडेट हमारे पास था।